नमस्कार। जो मामला 70 सालों से कोर्ट में अटका रहा, जिस पर हिंदू मुसलमान की सियासी रोटियां कुछ पार्टियां सेकती रही, न्यू इंडिया में महज 40 दिन में उसकी सुनवाई खत्म हो गई और जल्द ही इस पर फैसला आने वाला है। लेकिन बौखलाहट में कल मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट में ऐसा काम किया जिससे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं हुई है, बल्कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावना भी आहत हुई है। राम जन्मभूमि का नक्शा, एक अहम सबूत को भरी कोर्ट में फाड़ दिया गया। किसके इशारे पर यह किया गया और क्यों, आज ये सवाल हम पूछेंगे। किसी को राइट लगे या किसी को रॉन्ग लगे, मंदिर विरोधी गैंग का आतंकी कनेक्शन, क्या सुप्रीम कोर्ट में हिंदू आस्था के अपमान की साजिश के पीछे पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ है? राम जन्मभूमि न्यास के रामविलास वेदांती का ये आरोप गंभीर है, जिसके बाद बड़ा संग्राम छिड़ गया है। ये पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर राजीव धवन ने सोचा मुकदमा खत्म हो जाएगा, इसलिए मुकदमा खत्म न हो इसके लिए जानबूझ करके इस काम को किया उन्होंने, और वो डरे हुए हैं कि यदि मुकदमा खत्म हो जाएगा तो फंडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि विदेशों से फंडिंग आती है, आतंकवादियों से फंडिंग आती है। राम जन्मभूमि न्यास के रामविलास वेदांती ने कहा कि अयोध्या का नक्शा फाड़कर राजीव धवन ने भारतीय संविधान, हिंदू संस्कृति और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपमान किया है। वेदांती ने कहा इस मामले में राजीव धवन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजीव धवन ने केवल कोर्ट का अपमान नहीं किया, संविधान का भी अपमान किया, न्यायाधीशों का अपमान किया, न्याय का अपमान किया, और न्यायाधीशों के बीच में, जजों के बीच में, कोर्ट के सामने उसको चार टुकड़े में फाड़कर फेंक देना, ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय संविधान का अपमान है। तो क्या मंदिर विरोधी गैंग का आतंकी कनेक्शन है और आतंकियों के इशारे पर फाड़ा राम जन्म स्थान का नक्शा? ये बड़ा सवाल है, और सवाल यही है कि क्या जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के वकील ने राम जन्म स्थान के नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या मुस्लिम पक्ष के वकील पर इसके बाद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कानूनी जीत के लिए हिंदू आस्था का अपमान हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? क्या राम मंदिर पर फैसले को लटकाने भटकाने के लिए कोर्ट में यह ड्रामा किया गया? तो आज का हैशटैग है एंटी मंदिर टेरर लिंक, मतलब मंदिर विरोधियों का आतंकी रिश्ता, और ऑनलाइन सवाल है कि क्या आतंकियों के इशारे पर फाड़ा गया राम जन्मस्थान का नक्शा, और पहला मुद्दा भी यही है कि क्या पाकिस्तान के आतंकियों पर के इशारे पर, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं रामविलास वेदांती महाराज, क्या उनके इशारे पर राम जन्मस्थान का नक्शा फाड़ा गया? मेरी राय है कि कौन चाहता है कि 70 साल से जो मसला हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए सबसे, पाकिस्तान के आतंकियों पर के इशारे पर, जैसे ये आरोप लगा रहे हैं रामविलास वेदांती महाराज, क्या उनके इशारे पर राम जन्मस्थान का नक्शा फाड़ा गया? मेरी राय है कि कौन चाहता है कि 70 साल से जो मसला हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए सबसे बड़ा बाधक रहा है वो समाप्त ना हो? कौन चाहता है कि 70 साल से जो 100 करोड़ हिंदू अपने श्री राम को अपनी ही धरती, अपनी ही जन्मभूमि से वंचित एक टेंट में देखते आ रहे, उनकी भावनाओं के साथ घिनौना मजाक किया जाए? वो मंडली कहाँ है जब उन्हीं के कॉकटेल सर्किट में उसने बैठने वाला एक वकील सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को तार तार कर देता है? हर रोज संस्थाओं की के ऊपर हमला हो रहा है, ऐसा रोना रोने वाले आज चुप क्यों है? और इसी लुटियंस लॉबी के सबसे प्रमुख नेता मेरे साथ गेस्ट के रूप में जुड़े, उनका नाम है सुनीत चोपड़ा। मेरे साथ जुड़े हैं मौलाना सकी खान राठौड़ जो इस्लामिक स्कॉलर है, मेरे साथ हाजिक खान जो एक और इस्लामिक स्कॉलर है वो भी जुड़े हैं, डॉक्टर एचएस रावत हिंदू स्कॉलर है, हिंदू धर्म गुरु आचार्य शैलेश तिवारी, और मेरे साथ मैन ऑफ द मोमेंट जिन्होंने बड़ा आरोप लगाया राम जन्मभूमि न्यास के फाउंडर अध्यक्ष, मेरे साथ जुड़े हुए हैं रामविलास वेदांती साहब। और मैं रामविलास वेदांती साहब के पास ही जाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल, क्या आतंकवादियों के इशारे पर कल राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ा गया, ये आरोप है आपका, क्या आप इस आरोप के साथ अभी भी हैं? मैं अभी भी हूं जी, आगे भी रहूंगा, हमेशा रहूंगा। राम का जो भी अपमान करेगा, राम जन्मभूमि का जो भी अपमान करेगा, राम लला का जो भी अपमान करेगा,
डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज आ रही है। इसको ऑडियो रामविलास वेदांती जी का ऑडियो ठीक किया जाए, उनको इको शायद आ रही है, पर आप बोलते रहिए सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। इसको ठीक करिए, हाँ एक बार देखिए। हाँ ऐसा है कि राम राम मानवता के रक्षक हैं, राम इस देश के भविष्य हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। हमारे वेदों में राम अखंड अनंत अछेद्य भेद्य तर्क चिंत ग्राह्य विवेदेश प्रपंचातीत प्रत्येक भिन्न अपरिगणित कंदर्प दर्प दलन पटियान परमात्मा है। कोई भी अपने इष्ट का अपमान नहीं देखना चाहता है, और जजों के सामने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी बेंच है, जहां पर 5 जज विराजमान थे, उनके सामने राम जन्मभूमि के नक्शे को फाड़कर फेंक दिया गया। इससे बड़ा और कष्ट क्या हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है जी, देखिए इस देश के अंदर संविधान से सब कुछ चलता है जी, कानून से सब कुछ चलता है, हमने कानून का सम्मान किया है, और इसीलिए एक अरब 30 करोड़ जनता का एक ही संविधान है और सुप्रीम कोर्ट एक ही है। उस सुप्रीम कोर्ट में जो अपमानित किया गया, मुझको ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर, पाकिस्तानी आतंकवादियों के कहने पर राम का अपमान करने का षड्यंत्र राजीव धवन ने किया है। राजीव धवन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कौन है राजीव धवन? सुनील चोपड़ा एक सेकंड आ रहा आपके पास। राजीव धवन पर तो मैं FIR दर्ज करने वाला था जी, तो कर देते हमें क्या सुना रहे हैं सुनील चोपड़ा जी, एक सेकंड, वो बाहर से जुड़े उनको बोलने दीजिए, वो केस लग रहे हैं, मुकदमा अभी चल रहा है, पब्लिक में झूठ बोल रहे हैं, मुकदमा अभी चल रहा है, कहीं हमारे इस कार्यक्रम से मुकदमा प्रभावित न हो, इसलिए हमने अभी FIR नहीं किया है। लेकिन जब मुकदमा समाप्त हो जाएगा, जब कोर्ट से निर्णय आ जाएगा, तब कुछ न कुछ कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई, तो कानूनी कार्रवाई जरूर की जाएगी। ये आपका सीधा सीधा आरोप है, नहीं है रामविलास वेदांती साहब, ये आपका सीधा सीधा आरोप है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों के इशारे पर कल जो सुप्रीम कोर्ट में घटा। सुनील चोपड़ा, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप मुझे बताइए कि क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि हिंदू मुस्लिम का यहां पे झगड़ा बना रहे? इस केस को समाप्त करने पर सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द को होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा तो उन लोगों को होगा जो डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है। एकता बनी रहे, सब बकवास है। हिंदू मुस्लिम की सांप्रदायिक सद्भावना को सीधा सीधा बताया है, किया है जब वो जो कि उस आदमी ने लिखी जिसने इतना बड़ा मंदिर पटना में खड़ा कर दिया था, जो कि आज आने जाने के लिए भी मुश्किल होती है, और वो जब राजीव ने देखा उसने कहा ये क्या है, तो जज ने कहा तो मुझे ये मत बताइए कि राजीव जो करना है, सर एक सेकंड, राजीव ने एक कहा राजीव भवन, राजीव धवन, राजीव धवन ने जज के, राजीव धवन ने जज के बोली, ये देखिए झूठ बोलने का काम आते ना हो, झूठ ना बोले सुनील चोपड़ा। ये फैक्ट नहीं है, फैक्ट ये है कि जजेस, आचार्य जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, फैक्ट ये है आचार्य शैलेश तिवारी, फैक्ट ये है, फैक्ट ये है सुनील चोपड़ा की सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इनफ इज इनफ, उन्होंने कहा कि मैं उठ जाऊंगा बेंच से अगर इस तरीके का बर्ताव किया गया, उन्होंने ये कहा क्योंकि राजीव धवन ने कोर्ट की अवमानना की, सबूत दिखाया, ये गलत है। जज ने कहा, कोई जज कैसे कह सकता है फाड़ने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप चोपड़ा साहब, कोई जज कह सकता है? आप थे क्या कोर्ट में? आप कोर्ट में थे? आपका वकील था वहां कोर्ट में? आप कौन झूठ बोल रहे हैं बताइए, मालूम है क्या? मालूम है आपको? कुछ नहीं मालूम आपको, बेकार की बातें कर रहे हैं आप जैसे सीनियर आदमी को शोभा नहीं देता झूठ बोलते हुए। हम झूठ बोलते हैं? आप थे क्या वकील हो? आप थे क्या उस बहस में? कोई जज सुप्रीम कोर्ट का ये नहीं बोल सकता कि फाड़ दीजिए इसको, बोला है और बेकार की बात अखबारों में भी आया है, अखबारों में भी आया है, झूठ बोल रहे हैं आप चोपड़ा जी, आप अखबारों में पढ़िए। सुनील चोपड़ा एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर और आपके साथ दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, अगर मुस्लिम से, एक सेकंड आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, आचार्य आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूं, सुनील चोपड़ा सवाल सुन लीजिए, सुनील चोपड़ा, अगर
अगर ये सबूत मुस्लिम पक्ष के द्वारा कुछ दिया गया होता कुरान के हवाले से, और हिंदू पक्ष के वकील, आचार्य जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, रामविलास वेदांती जी भी आपसे भी पूछ रहा हूं, अगर हिंदू पक्ष के वकील ने कुरान के हवाले से जो सबूत दिया गया उसको फाड़ दिया होता तो आपकी लॉबी सरेआम निकलती और कहती कि देखिए ये इंटॉलरेंस है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या ये सच बात है? जज ने कहा है फाड़ दो, बाबा साहब तिवारी साहब, क्या ये लोग आग नहीं लगाते? जज ने कहा है, अखबारों में आया है, आचार्य शैलेश तिवारी, अगर कोई सबूत हिंदू पक्ष की तरफ से अगर कोई इस प्रकार से जुड़ा हुआ कोई सबूत फाड़ दिया गया होता तो ये असहिष्णुता नहीं कहते उसे? हिंदुस्तानी है ना, हम इधर हिंदू है ना मुस्लिम है, तो फिर इंडियन तो फिर बाबर की बाबर की मस्जिद से क्यों लगाव क्यों? आचार्य शैलेश, आचार्य शैलेश, रामद्रोही है या धर्मद्रोही है? ऐसे धर्मद्रोहियों को राष्ट्रीय चैनल पर मत बिठाइए। ए सुनीत चोपड़ा या राष्ट्रद्रोही है धर्मद्रोही है इसको मत बिठाइए ऐसे लोगों को राष्ट्रीय चैनल पर। अरे आप जैसे धर्मद्रोही हमने जितना नुकसान हिंदू धर्म का किया, जो हिंदू हिंदू धर्म है हिंदू धर्म के लोग इस तरह का किसी के नक्शे को नहीं फाड़ते जिस तरह की नक्शा राजीव धवन ने फाड़ा है। जज ने कहा आप फाड़ दीजिए, आपके पास कोई बाइट है? आपके पास प्रूफ है? क्या प्रूफ है? ये कहा गया दिखाओ ना रामविलास वेदांती साहब, रामविलास वेदांती महाराज, रामविलास वेदांती महाराज, रामविलास वेदांती महाराज, रामविलास वेदांती महाराज, यहाँ पे एक सफेद झूठ कहा जा रहा है। सुनीत चोपड़ा और वामपंथी नेता कह रहे हैं कि इनको कोर्ट ने कहा राजीव धवन को, इसलिए उन्होंने फाड़ा। सुनीत चोपड़ा चोपड़ा में क्या भरा है जी? सुनील चोपड़ा के कुछ दिखाई देता है कि नहीं देता? सुनीत खान चोपड़ा के खोपड़ा में आंख है कि नहीं, कान है कि नहीं? सुनील खोपड़ा के, सुनील खोपड़ा के बकवास करना बंद करो। दुनिया के लोग देख रहे हैं कि राजीव धवन ने खुले आंखों के सामने सुनील चोपड़ा जी, आप इस तरीके से किसी के धार्मिक भावनाओं के साथ जलवा के सामने ये बात रामविलास वेदांती साहब, रामविलास देखिए इस तरीके से नहीं साहब जी, इनको माफी मांगनी पड़ेगी। इतने बड़े हमारे संत के लिए तलक के लिए बोला है, गलत बात है ये, माफी मांगिए आप लोग। सुनील चोपड़ा जी ये बहुत ही गलत बात है। राजीव धवन ने अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, कानून का अपमान किया है, जजों का अपमान किया है, ये बहुत गलत काम किया है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। और इसे मैंने कहा कि उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। देखिए एक सेकंड, मैं यहाँ पे मेरे साथ दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, दो इस्लामिक स्कॉलर बैठे हैं, मैं इनको शामिल करना चाहूंगा डिबेट में। मौलाना सकी खान राठौर साहब, हाजिक खान, किसी भी जो बातें की जा रही है, राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ना क्या मुस्लिम पक्ष है? रामविलास वेदांती साहब आपके पास मैं आ रहा हूँ, इस्लामिक स्कॉलर्स बैठे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष ने राजीव धवन से कहा था कि जाकर राम जी का जो नक्शा बनाए पांच सबूतों के आधार पे जो कुणाल किशोर ने अपनी किताब में अयोध्या रिविजिटेड में दिया है, क्या आप लोगों के इशारे पर फाड़ा था, हा या ना? क्या मुस्लिम पक्ष के इशारे पर फाड़ा था? देखिए हाजिक खान साहब, सकी खान राठौर, हा या ना में जवाब दीजिए। हा ना में नहीं, जवाब पूरा दीजिए। मुझे आप बताइए, प्राथमिक रूप से बताइए, हा या ना? हा ना दोनों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने श्रीराम के नक्शे को फाड़ने की सहमति? अरे वो श्रीराम का नक्शा कैसे हो गया जो आज का प्रिंट किया हुआ नक्शा है? आप कैसे बात कर रहे हो? कोई 1800 अभी कलम नजर आया है, 210 साल आप श्रीराम लिखा हुआ है बराबर जी। आप श्रीराम के पैदा होने पर सवाल उठा रहे हैं, आज श्रीराम के जन्म पे सवाल उठा रहे हैं। मैंने अभी कोई था आपका सवाल, एक आदमी नक्शा फाड़ता है, दूसरा आदमी हमारे संत महात्मा की बेइज्जती करता है राष्ट्रीय चैनल पे, और आप श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे? अभी हमने ना अस्तित्व, क्या इस्लाम ये सिखाता है? ये पूछा पैगंबर मोहम्मद साहब ने, क्या आप मोहम्मद साहब को क्यों ला रहे? आप कौन? मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? आपको फिर छऊर नाम की चीज नहीं है? एक चीज को आप किसी को, एक पेपर को कुरान से बुला रहे, मोहम्मद साहब कैसे आप
अरे ये इतनी सी चीज नहीं है। राम मंदिर का नक्शा फाड़ना, अगर राम मंदिर का नक्शा फाड़ना, एक एक करके हाजी खान साहब, क्या आपने राजीव धवन से कहा था, मुस्लिम पक्ष ने राजीव धवन से कहा था, मस्जिद पक्ष ने कहा था कि राम के जो कागजात है उसको फाड़ दिया जाए भरी कोर्ट में? आपकी अकल पर मैं हैरान हूँ, आप मेरी अकल पर हैरान हूँ। तो ये राजीव धवन की अकल पर हैरानी आपको होनी चाहिए। राजीव धवन साहब ने वो कोर्ट में जो किया उसकी जवाबदेही राजीव धवन की, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात कम्युनिटी की, लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट की खान जाता हो रहा है, खान जाता हो रहा दिया की खान जाता हो सुप्रीम कोर्ट की खान जाता हो अगर अगर सखी खान जाता हो रामविलास वेदांती साहब, रामविलास वेदांती साहब यहाँ पर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जो राजीव धवन ने किया उन्होंने अपनी मर्जी से किया, तो ये क्यों ना कहा जाए कि पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ झूठ कहा जाए? आप इस बात को पाकिस्तान मतलब आपने वकील किसी की आवाज नहीं जा रही है, राजीव धवन की कोर्ट नहीं है। एक एक करके रामविलास वेदांती साहब, अगर उन्होंने ये खुद से कृत्य किया है, मुस्लिम पक्ष भी अपने पल्ला झाड़ रहा है इससे, तो क्यों ना हम इसमें हम ये कंक्लूजन निकाले कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए किया गया? बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल ठीक। रामविलास वेदांती प्रूफ दूंगा मैं, सुनील चोपड़ा रामविलास वेदांती जी बोले, फिर रामविलास वेदांती, रामविलास वेदांती ऑन स्क्रीन, रामविलास वेदांती आपने आवाज नहीं डाली, रामविलास वेदांती आतंकवादियों के इशारे पर कैसा सबूत है? राजीव धवन की कराई जाए तो पता चल जाएगा कि राजीव धवन का संबंध पाकिस्तानी आतंकवादियों से है, पाकिस्तानी आतंकवादी फंडिंग देते हैं और उसी फंडिंग के बल पर राजीव धवन मुस्लिम बोर्ड का चुनाव लड़ते हैं, इसलिए राजीव धवन को माफी मांगनी चाहिए। मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा राजीव धवन की सीबीआई जांच कराई जाए, पाकिस्तानी आतंकवादियों से उनका संबंध है और उसी संबंध के नाते फंडिंग उनको मिलती है। सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा एचएस रावत, उन्होंने राम जन्मभूमि, सुनील चोपड़ा एचएस रावत, सुनील चोपड़ा एचएस रावत, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट, एक सेकंड, बिल्कुल एक सेकंड, बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट इसी मामले से जो है इसी का एक निष्कर्ष था, सहजा जी की वजह से हुआ 92 के अंदर। अब बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान का हाथ था, उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने क्या, बॉम्बे राइट्स में उनका हाथ था, उस समय बाबरी मस्जिद में क्या किया, उसके बाद दाऊद इब्राहिम ने कहां से पैसा आया, कहां से हथियार आए, कहां से ब्लास्ट आए? चोपड़ा साहब जवाब दीजिए मुझे, चोपड़ा साहब, बॉम्बे बॉम्ब, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, एक सेकंड, सवाल सुनिए, सुनील चोपड़ा सवाल सुनिए, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा, सुनील चोपड़ा सवाल सुनिए, सुनील चोपड़ा सवाल सुनिए, क्या पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, क्या पाकिस्तान के आतंकवादियों का इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा चलता रहे? पाकिस्तान का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान यहाँ पे सहारा चाहता है, पाकिस्तान को क्लीन चिट, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे, देता क्यों नहीं उसको? पाकिस्तान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, सुनील चोपड़ा कह रहे हैं, हाजी खान आपके साथ, हाजी खान शैलेश तिवारी, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे, देता क्यों नहीं उसको? पाकिस्तान यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, सुनील चोपड़ा कह रहे हैं, हाजी खान आपके साथ, हाजी खान शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, सुनील चोपड़ा कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो इतना इतना सीधा साधा मुल्क है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बना रहे हैं उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो तो कभी कोई दंगा नहीं फैलाता, कभी कोई आतंक नहीं फैलाता, ये सुनील चोपड़ा का कहना है। आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य जी, आचार्य शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी, ऐसे सीधे साधे देश में जाकर के वास कर ले, सुनील चोपड़ा भारत को छोड़ दे और पाकिस्तान में जाकर के निवास कर ले, ऐसे चाइनीज चाइना के फॉलोअर, चाइना के फॉलोअर पाकिस्तान जाने की बात करिए, जाओ जो पाकिस्तान
हिंदुओं की रक्षा करने की बात है, जिस पाकिस्तान ने 22% हिंदुओं को खत्म करके 3% मिलने आया, उस पाकिस्तान की सपोर्ट करने वाले पाकिस्तान की नागरिकता ले ले, महाबलिस्तान को छोड़ दे, इस हिंदुस्तान में चले जाने पहले भी हम जानते थे ऐसे राष्ट्रद्रोही धर्मद्रोही अधर्मी पापी जो देश को कुकृत्यों से पूरे देश को तार-तार कर दिया, ऐसे राजीव धवन को उनके लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए, अब उनके वकालत के लाइसेंस को कैंसिल करना चाहिए। सुनील चोपड़ा एक मिनट, सुनील चोपड़ा आचार्य जी एक मिनट, मुझे सखीकांत राठौड़ से एक सवाल पूछना है। चलिए सखीकांत राठौड़, ये मामला अगर निपट जाएगा और मुस्लिम पक्ष से जो लोग हैं इकबाल अंसारी बाकी लोगों ने भी कहा है कि जल्द से जल्द फैसला है, जल्द से जल्द फैसला अगर आ जाता है हिंदू मुस्लिम के बीच में जो ये सबसे बड़ा कांटा है ये सुलझ जाएगा, पर अगर ये मामला नहीं सुलझता है लटकता रहता है अटकता रहता है तो हिंदू मुस्लिम की खाई बनी रहेगी, इसका फायदा किसको होगा? देखिए सबसे बड़ी बात, इसका फायदा पाकिस्तान को होगा कि नहीं होगा? एक मिनट पहले बात सुन लीजिए, और मैं गुजारिश करूंगा कि मैं इसीलिए दरमियान में नहीं बोला, पहले सभी हजरात मेरी बात सुन लीजिएगा, कोई बात रांग लगे या कुछ मसला हो तो फिर बाद में आप राइट बात कीजिए। मैं साफ साफ बात ये कहता हूं, एक तो राजीव धवन पर जो सवालात हैं, इन्होंने मान साहब ने जो ये कहा है कि ये आतंकी सोच थी, तो इसके लिए सुनिए इसके लिए साफ और सुथरी बात ये है कि ये हमारी एक जहानत हो सकती है, अलबत्ता जहां तक मजहबी रूल और रेगुलेशन के मामलात हैं, 5 जजेस की एक बड़ी बेंच बैठी थी और पैगम्बर इस्लाम ने दीगर मजाहिब ने भी ये कहा है कि जो ओहदेदार हों ओहदेदारों का एहतराम। मुझे एक बात बताइए, हिंदू मुसलमान के बीच का जो मसला है वो ना निपटे, वो लगातार चलता रहे और 70 सालों तक हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होता रहे, क्या ये सोच आतंकी सोच नहीं है? क्या देश में सद्भाव नहीं हो, सौहार्द ना हो, क्या ये आतंकी भावना नहीं है? सुनिए, क्या ये इस तरीके की मानसिकता या तो किसी पाकिस्तानी की हो सकती है या देशद्रोही की हो सकती है? गलत क्या है? आतंक को यहाँ के इस मुद्दे से मजहबी मामला से कुछ लेना देना नहीं है, और ना ही जनाब वाला ये सिलसिला कोई ऐसा है, ये मैं और आप सोच सकते हैं जी, ये आतंकी सोच है राजनीति। जो आदमी यहाँ थोड़ी सी बात करेगा उसको देशद्रोही के नारे लगा दिए जाएंगे, जी आप फला जगह चले जाइए, आपकी जिहादी सोच है, आपकी ये सोच है, ये इस तरीके की बातें नहीं होती। बात कहने का मकसद ये है कि राजीव धवन ने जो कोर्ट के अंदर किया जजेस के सामने उनके ओहदे का एहतराम भी मेंटेन नहीं किया, वो उनकी निजी सोच थी। यहाँ पे उस पर जज को चाहिए, पक्ष के लोग कह रहे हैं कि जो कल सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो तो उन्होंने एहतराम किया है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने तो बड़ी मर्यादा का पालन किया है सुप्रीम कोर्ट। आप समझ नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, आप समझिए और ये भी समझिए, कहा है कि ओहदे का एहतराम लाजिम है, ओहदे का एहतराम करना चाहिए, जो उन्होंने कहना है कि ये तो ये कहना है जी, बाकी का ऑडियो कम। रामविलास वेदांती साहब, ये तो सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने सम्मान बढ़ाया है राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ कर, यही तो बात है, निष्कर्ष यही है, निष्कर्ष सर मैं कह रहा हूँ कि रामविलास वेदांती आप गलत बात, ये गलत बात को क्यों रामविलास वेदांती किया? मैं ये कह रहा हूँ कि रामविलास वेदांती साहब, मैं चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज लोग उसको अदालत उनके सुप्रीम कोर्ट के वकालत का जो लाइसेंस है उसको जारी कर ले और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने का अधिकार उनको न दिया जाए। सुनील चोपड़ा उनके ऊपर राजनीत चोपड़ा मुकदमा लगाना चाहिए। सुनील चोपड़ा आप कह रहे हैं का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया, संविधान का अपमान किया, और 1 अरब 300 करोड़ संविधान का अपमान नहीं किया, संविधान का अपमान नहीं किया। एक सेकंड हाजी खान मैं आपके पास आऊंगा, बोला सखी खान मैं आपके पास आऊंगा। सुनील चोपड़ा, सोली सोराब जी ने कहा है कि मुझे शर्म आती है जो राजीव धवन ने किया। सोली सोराब जी को संविधान की कल्पना नहीं है, संविधान के बारे में नहीं जानते वो, उनको किसी लॉयर को यह अधिकार है कि वो सबूत फाड़े? क्या यह अधिकार है कि कोई धन के जुड़े हुए कागजात को भरी कोर्ट में फाड़े? उन्होंने जज से पूछा मैं इसका क्या करूं, अच्छा। उन्होंने कहा फाड़ दीजिए, फाड़ दिया आपने, जज ने कहा फाड़ दीजिए, तो ये अखबारों में है, गांधी जी आप चैलेंज, गलत बात है, जज ने कहा फाड़ दीजिए, बिल्कुल आप चैलेंज कीजिए, मुझे कोई गलत बात है, शिकार हो रहे हैं, किसी जज ने नहीं कहा कि फाड़ कर फेंक दो,
कभी कोई जज इस प्रकार की बात कर ही नहीं सकता है। उसने पूछा, बात गलत बोल रहे हैं, इससे क्या करूं? किसी जज ने नहीं कहा कि फाड़ कर फेंक दो, आप फाड़ दीजिए। बिल्कुल गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने नहीं कहा फाड़ दो। सुनील चोपड़ा झूठ बोलता है। एक्टिव पॉलिटिक्स में है 50 साल। बिल्कुल। आपने कितनी बार देखा है कि किसी कोर्ट में किसी वकील ने सबूत को इस तरीके से फाड़ दिया? कितनी बार देखा है? अगर कोर्ट इस तरीके से कहता है तो आपने कितनी बार देखा है अपनी जिंदगी में, बताइए? कई बार होगा। गलत बयानी क्यों कर रहे हैं? ये आप एक उदाहरण बता दीजिए। गलत बयानी बिल्कुल है। ये साबित करता है। जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। वेदांती साहब, इनके पास जवाब नहीं है। वेदांती साहब किसी उदाहरण नहीं है, पहली बार किया है। सर मैं जब आपसे पूछूंगा तब आप जवाब दीजिए। वेदांती साहब, और उस पर लिखा हुआ था 3 गुम्बद। अरे सुन लो भैया, प्रूफ दे रहा हूँ, वहाँ से प्रूफ है निकलवाने के। तो पहले था, लेकिन 1810 में भी वहाँ लिखा हुआ था श्री राम मंदिर, और उन्होंने लिखा था। और आप तारीख का मजाक उड़ा रहे हैं। साहब यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या हो रहा है। एक वेदांती साहब स्क्रीन पर, सुनील चोपड़ा स्क्रीन पर। वेदांती साहब, इस देश में एक विशेष लॉबी है। उन्होंने पहले श्री राम के अस्तित्व पे सवाल उठाया, उन्होंने राम सेतु को तोड़ने की साजिश की, उन्होंने इसके बाद बार बार श्री राम के ऊपर सवाल उठाते रहे, और अब यही मंडली जो राम जी का नक्शा फाड़ती है वो कह रही है कि राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था वहां पे। वेदांती साहब, अब सवाल है कि राम जी का जन्म ही नहीं हुआ था, इसलिए नक्शा फाड़ा गया। जो काम कांग्रेस करती है, कांग्रेस ने ही राम सेतु पर प्रश्न किया था। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया था, और वही कांग्रेस अब हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए राजीव धवन को प्रेरित करके संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान की धज्जी उड़ाने का काम कांग्रेस भी कर रही है। ये राजीव धवन चोपड़ा ऐसा लगता है कि 70 वर्षों तक जैसे कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया है, वही काम इस समय राजीव धवन कर रहे हैं कांग्रेस की सारे पर, आतंकवादी निशाने पर। अपने दिल से आया पाकिस्तान नहीं गया। प्लीज आप स्क्रीन पर देखिए, सुनील चोपड़ा आपको कहीं वोट नहीं मिलते, पर यहाँ पे वोट देखिए, आपको यहाँ पे भी वोट नहीं मिल रहा। 71% लोग कह रहे हैं, 71% लोग, देश की जनता कह रही है सुनील चोपड़ा से कि जो कल कोर्ट में किया गया ये आतंकवादियों के इशारे पे किया गया। मैं आपसे एक सवाल, सुनील चोपड़ा सवाल सुनिए, क्या ये अच्छा, आपको तो ईवीएम पे भी भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पे भी भरोसा नहीं? आपको मैं आपसे एक सवाल पूछा था। सुनील चोपड़ा सवाल सुनिए, क्या आपको डर लग रहा है? क्या आपकी क्या अपने पाकिस्तानियों पर भरोसा है? सुनील चोपड़ा पर कांग्रेसियों पर भरोसा है? सुनील चोपड़ा को संविधान पर भरोसा नहीं है, जजों पर भरोसा नहीं है, कोर्ट पर भरोसा नहीं है? कांग्रेस के पाले हुए कम्युनिस्ट लोग जिन्होंने हिंदू धर्म के इतिहास को बर्बाद किया हुआ है, आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं देश की जनता क्या सोच रही है इस मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से लौटते डिबेट। जैसे आरोप रामविलास वेदांती महाराज लगा रहे हैं, उनके इशारे पर राजीव धवन ने कल राम जन्मभूमि का नक्शा फाड़ा। पर सवाल यह बनता है कि राम जन्मभूमि या राम जन्मस्थान का नक्शा फाड़ वकील पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सुनील चोपड़ा और सखी खान राठौड़, आपसे सवाल है, प्लीज सवाल सुनिए फिर जवाब दीजिए। आप लोग हर रोज 5 बजे से लेकर 10 बजे तक रात को ये गूंजते हैं कि देखिए इस देश में हमारी संस्थाओं के ऊपर हमला हो रहा है। आप मुझे बताइए कि सबूत के कागज फाड़कर संस्थाओं पर हमला किया जाता है या संस्थाओं का सम्मान किया जाता है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट की संस्था पर हमला नहीं था राजीव धवन के द्वारा? सुनील चोपड़ा जी, आपके पास जवाब नहीं था मेरे पास, तो मतलब अगर कल अगर ये अखबारें पढ़ लो, ठीक है, ओके। और जज ने क्या कहा और उसने क्या? सखी खान राठौड़
अगर कल कोई और वकील जाकर ऐसे ही सबूत के कागज तार-तार कर लेता है, फाड़ देता है कोर्ट के बीच में, यानी कोर्ट के बीच में, तो ये प्रथा ठीक है? पहले इनको चुप करा, सुनील चोपड़ा के इनको चुप करा, चुप करा, वो एक सुनील चोपड़ा ये बकवास कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, सबूत के कागज तार-तार कर लेता है, फाड़ देता है कोर्ट के बीच में, यानी कोर्ट के बीच में, तो ये प्रथा ठीक है? पहले इनको चुप करा, सुनील चोपड़ा के इनको चुप करा, वो एक सुनील चोपड़ा ये बकवास कर रहे हैं, सुनील चोपड़ा साहब आप इस तरीके की भाषा मैं साधु के साथ के लिए नहीं इस्तेमाल बंद नहीं है, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए, ये देशद्रोही है, आप देशद्रोही हैं, का विरोध किया है, कानून का विरोध किया है, न्यायालय का विरोध नहीं किया है, उन्होंने कानून के अनुसार किया है, कानून ये आप कृपा करके अखबार पढ़ लीजिए, कानून की मुझे पक्का है कि आप पढ़ सकते हैं, कृपा करके और अखबार मैंने पढ़ा है, चोपड़ा जी कहीं, जिस तरीके कहीं की किसी जज ने नहीं कहा कि पन्ना फाड़ कर फेंक दो, किसी जज ने नहीं कहा कि नक्शा फाड़ कर फेंक दो, उन्होंने कहा कि मैं इसे हाथ फाड़ कर फेंक दो, क्या करूं, वो बोले फाड़ दो, गलत बात है, उसे फाड़ दिया, ये चोपड़ा की खोपड़ा की उपज है, ये जज किसी से जज चलता है कि आप किस चरित्र के हो, कभी ऐसा नहीं कर सकते, किसी से पता चलता है आप क्या हो, चोपड़ा जी साहब सुनील चोपड़ा खोपड़ा जानते हैं आप इतने झूठ बोल रहे हो, बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, तो अभिव्यक्ति की आजादी है आपके ऊपर, देशद्रोह का मुकदमा ऊपर सवाल उठा दाखिल करना चाहिए, आप श्री राम को पाकिस्तानी आतंकवादियों के इशारे पर इस काम को किया गया है, सुनील चोपड़ा सखी सरकार की बातों में मत पड़ो, कुछ अच्छी बात करो, कहीं जा रहा है, काल्पनिक है, वेद काल्पनिक है, शास्त्र काल्पनिक है, पुराण काल्पनिक है, मैं कहता हूं किसी कुरान में बाबर का नाम है, हमारे वेद में राम का नाम है, पुराण में राम का नाम है, वाल्मीकि रामायण में राम का नाम है, अयोध्या का नाम है, अच्छा है, क्या किसी कुरान में बाबर का नाम है? सुनील चोपड़ा क्या बोलते हैं लोग, इसमें कोई बुराई नहीं है, आपके लीडर के नाम में भी सीताराम है, सीताराम ने चोपड़ा को नहीं बताया, अब राम जी को भी काल्पनिक कहेंगे तो सीताराम भी काल्पनिक हो जाएंगे, वैसे राजनीतिक परिचय पर तो आप काल्पनिक होते जा रहे हैं, वैसे रावत साहब जी, रावत साहब सवाल वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, न्याय रावत साहब न्याय कैसे भरोसा करेंगे, आचार्य जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, रावत साहब यहाँ पे जो मस्जिद पक्ष से बैठे हैं न्यायालय का सम्मान करते हैं, कागज फाड़ देते हैं, कभी ये कहते हैं न्यायाधीश आचार्य जी न्यायाधीश, रामविलास जी मैं आपके पास आता हूँ, रामविलास जी मैं आपके पास फिर से आता हूँ, बिल्कुल रावत साहब जी, रामविलास जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, मेरे पास स्टूडियो में भी कुछ मेहमान है, कभी ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को कि आपने तो हिंदुओं से सवाल ही नहीं पूछे जी, कभी ये सुप्रीम कोर्ट पे सवाल पैदा करते हैं जी, सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन पैनल बनाता है तो ये कहते हैं श्री श्री रविशंकर को क्यों ले लिया मीडिएशन पैनल जी, पे जी, अब इन्होंने कागज फाड़ दिए राम जी के जी, ये तीन तलाक के, एक सेकंड चोपड़ा साहब, एक सेकंड सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए, मैं कैसे भरोसा करूं, इन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट की तीन तलाक पे मानी, ना इन्होंने हाई कोर्ट की लाउडस्पीकर बैन पे मानी, मैं कैसे मान लूं कि कल फैसला आएगा 4 नवंबर को तो ये मान लेंगे? सहजाद जी प्रश्न आपने मेरे से पूछा, जवाब सुन लीजिए, ये इनका इतिहास रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जब सावानो केस में, उस समय संविधान फाड़ दिया था इन्होंने संसद के अंदर, सच और सच बात है, इनकी पार्टी भी थी, शहाबुद्दीन एमपी हुआ करते थे, चोपड़ा साहब उस समय आप यंग रहे होंगे और उस समय आपकी पार्टी भी इन्वॉल्व थी, उस समय संविधान फाड़ा गया था, उस समय आप संविधान के रक्षक थे, फाड़ने के लिए हमने, अरे क्या आप इधर उधर मुंह कर रहे हो, संविधान बोल रहे थे बिल्ली और है, अब आप बिल्ली के ऊपर मेरी बात कर रहे हो, इतिहास है इनका और आप लोगों का इतिहास है, झूठी किताब कौन सी, आप चाइना के एजेंट रहे, आप पाकिस्तान के एजेंट रहे, कभी नहीं रहे, आप नक्सलवादी हो, बिल्कुल नहीं, आप देशद्रोही हो, इसलिए इनका इतिहास आप देखिए, इनका इतिहास है, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, न संविधान को मानते हैं और न किसी धर्म को मानते हैं, इनका इतिहास रहा है, इसलिए ये तो आगे भी पता नहीं मानेंगे। रावत साहब कल जो आचार्य शैलेश तिवारी, रामविलास वेदांती साहब, सखी खान राठौड़, कल जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, भरी कोर्ट में एक इतने अहम सबूत को फाड़ने का काम हुआ, मैं कैसे यकीन करूं कि कल अगर फैसला 4 नवंबर 17 नवंबर के बीच में फैसला आ जाता है और यह फैसला इनके लिए मान्य नहीं है तो ये लोग कुछ और नहीं करेंगे।
ये सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे, मैं कैसे भरोसा जताएंगे आप? भरोसा तो करने वाली बात ही नहीं है। रावत साहब एक मिनट, नहीं सुप्रीम कोर्ट की कल अवमानना हुई या नहीं हुई? तुम जवाब नहीं, तुम तो भी करते रहो भाई। एक मिनट, आप एक मिनट चुप जाए। सखी कांत राठौर बोली है वह पाकिस्तान के द्वारा साजिश के तहत। अरे भाई आपको सिर्फ इतना ही याद होता है, इसके अलावा कुछ याद नहीं होता। पहले सुन लीजिए पूरी बात। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना, कैसे मैं भरोसा करूं? कैसे कोई भरोसा करे? 100 करोड़ हिंदू कैसे भरोसा करे? कल जो नक्शा फाड़ा गया, मैंने उसके ताल्लुक से आपसे ये कह दिया कि एक बड़ी बेंच के सामने नक्शे को फाड़ देना ये अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है। लेकिन सुनिए एक सेकेंड, अच्छी बात नहीं है। पूरा एक सेकेंड आप लोगों ने कहा है कि राजीव धवन ने जो किया वो सही नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप रामविलास वेदांती जी के साथ मिलकर ये कहे कि राजीव धवन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहिए, आपको कौन है? ये कह रहे गलत है। हम देश के नागरिक हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है चोपड़ा साहब। अगर संविधान राजीव संस्था की कार्रवाई क्यों ना हो इनके खिलाफ अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग को हिंदू पक्ष से इनको किसने अधिकार दे दिया? जो नया कागज एंटर कर रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो फाड़ रहा है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों एक करके साइलेंस स्टूडियो में, साइलेंस से मुझे। मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ। एक कंप्लेंट गई है, शिकायत हुई है ऑल इंडिया हिंदू महासभा, इन्होंने शिकायत की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कि ये जो कृत्य किया गया ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना थी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था, ये लीगल एथिक्स के खिलाफ था। आचार्य शैलेश तिवारी जी, क्या हाजिक खान साहब को इस मांग की सराहना नहीं करनी चाहिए कि ऐसे वकील पे कार्रवाई हो जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा की तार तार करता है? आचार्य जी बोलिए। शहजाद जी, मैं ऐसे वकील के लिए मैं देश के राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में कभी भी दलील न दे सके। जिसने रामद्रोह किया, जिसने देश की सबसे बड़ी न्यायिक व्यवस्था का अपमान किया, जिसने 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान किया, साधु संतों का अपमान किया, हमारे संस्कृति सभ्यता का अपमान किया, ऐसे व्यक्ति को दोबारा सखी खान नक्शे को शामिल किया गया। जब और जिसने रामविलास वेदांती जी यहाँ पे जो नास्तिक पार्टी से है, मतलब लेफ्ट पार्टी से, उस मतलब से जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, वो कह रहे कि राम जी भी नहीं है, राम जी का मैप भी नहीं है। आप कहाँ कह रहे हैं? आपने अभी कहा झूठा मैप, आपने झूठा मैप कहा, आपने राम जी के ऊपर सवाल उठा ब्रेक के बाद गर्मा गर्म बहस
और इनसे पूछेंगे कि राम जी के ऊपर सवाल कैसे उठाया जा सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, लौट के आते हैं एक ब्रेक के बाद। तो झूठा साथ रखा।